तो दोस्तों आज मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ ये भारत एजेंसी कंपनी की तरफ से डोसा तवा। ये जो दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा और लगभग 8 से 10 दिन के अंदर ये मेरे घर पहुँच गया। तो ये देख सकते हैं आप, इसका जो पेपर जो दिएगा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं उसको कैसे यूज़ करना है फर्स्ट टाइम। तो ये जो है आप देख रहे हैं कास्ट आयरन का तवा है, ये नॉर्मल आयरन नहीं है। ये कास्ट आयरन जो होता है नॉर्मल आयरन को पिघल करके बना दिया जाता है। तो आप चाहें तो इसे आप लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हैं या फिर अमेजोन या फिर आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट लिया था, ये जो है प्रीमियम क्वालिटी वाला, आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग किस तरीके से है। तो अभी मैं इसे इसका कवर को मैं खोल लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है। तो आप इसका फिनिशिंग देख सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग किया गया है। अपर साइड में पूरा प्लेन है और पीछे भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। तो अभी इसे मैं अपने स्केल से मैं इसे आपको नाप के दिखाऊंगा कि स्केल जो दरअसल जो है मेरा 12 इंच का है। तो ये स्केल जो है पूरा अच्छी तरह से फिट हो गया, ये 12 इंच का स्केल था। तो अभी इसे मैं और एक मेरा फर्स्ट टेप है इसे मैं नाप के दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा फर्स्ट टेप है, ये देख सकते हैं आप। तो ये टेप से भी 31 सेंटीमीटर का आ जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का है, ये तवा जो है कास्ट आयरन का तवा है और लगभग इसका वेट जो है लगभग 2 kg के आसपास आता है। तो ये भारी है, अगर आपको भारी अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप हल्का वाला भी आप ले सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा साइज का तवा है, इसमें डोसा जो बनेगा काफ़ी बड़ा। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ पकाया था यहाँ पर। दोस्तों जो नॉर्मल घरों में जो गैस होता है या फिर इंडक्शन होता है उसका जो बर्नर का साइज होता है काफ़ी छोटा आता है। तो या इससे आपका जो बीच वाला जलने के चांसेस है, तो मैंने ज़्यादा देर तक पकाया नहीं। अगर आप चाहे तो दोस्तों इसको आप ले सकते हैं, अगर आपका बर्नर का साइज अच्छा है तो आपका साइड साइड भी काफ़ी अच्छे से पकेगा, नहीं तो आपका आपको तवा के थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा ताकि साइड साइड में भी अच्छे से क्रिस्पी आ जाए, नहीं तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है और पक भी जाता है आप चाहे तो। और ये जो है कास्ट आयरन का होने की वजह से कि नॉन स्टिक है, तो जैसे नॉर्मल जो तवा जो होता है उसमें अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं है तो वो चिपक जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तवा में जो है आपका डोसा बिल्कुल चिपकेगा नहीं प्रीसीजन होने की वजह से, और इसमें काफ़ी क्रिस्पी भी बनेगा। तो दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ जाऊँगा, आप चाहे तो वहाँ से खरीद सकते हैं या फिर आप अपने लोकल मार्केट से भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपको वहाँ पे अच्छे डील पे मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।